हेलो फ्रेंड्स, मैं अचल कौर। आज आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की फर्स्ट क्लास देने वाला हूँ। इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि शॉर्ट हैंड कहाँ बनी, कैसे बनी, इसका यूज़ कैसे है, लिखते कैसे हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, या फिर स्टेनोग्राफी बोल देते हैं इसको। स्टेनोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक स्टेनो जो एक पोस्ट होती है, और ग्राफी मतलब एक राइटिंग। इसको दूसरा ऐसे भी बोल देते हैं, फोनोग्राफी। जैसे ये भी दो वर्ड से मिलकर बना फोनोग्राफी। फोनो का मतलब लिसन और ग्राफी का मतलब राइटिंग। कोई भी ऐसी राइटिंग जिसको हम लिसन सुनकर लिख सकें, सही है, वही होती है फोनोग्राफी, स्टेनोग्राफी, सही है, या फिर हम उसको शॉर्ट हैंड बोल देते हैं। ये बनी कब थी? तो ये बनी थी 1837। कहां बनी थी? ये बनी थी इंग्लैंड के अंदर। क्वेश्चन आता बनाई किसने थी? ये बनाई थी सर आइजैक पिटमैन। और हम जो शॉर्ट हैंड पढ़ने वाले हैं वो पिटमैन शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे। शॉर्ट हैंड के बहुत सारे रूप होते हैं, ग्रीक वगैरह के हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? पिटमैन जो बेसिस है, ठीक है, पिटमैन बेसिस वाली है, वही पढ़ने वाले हैं। अब फंड आता है कि शॉर्ट हैंड लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं। शॉर्ट हैंड जो लिखी आती है ये लिखी आती है प्रोनाउन शेप के अकॉर्डिंग। जो भी हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे वही लिखेंगे, ये अकॉर्डिंग पे स्पेलिंग नहीं लिखी आती। अकॉर्डिंग पे स्पेलिंग नहीं लिखते हम। जब भी शॉर्ट हैंड लिखेंगे, कोई भी वर्ड लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? जैसे उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सही है भाई, ये जैसे इंग्लिश में दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट वोवल्स, तो उसी टाइप से ये भी लिखी जाती है। हम कॉन्सोनेंट लिखते हैं, है ना, दो तरीके की होती है। अब प्रोनाउंसिएट हम वर्ड्स दो अकॉर्डिंग करते हैं, एक तो लाइटली कर देते हैं एकदम, और एक थोड़ा हैवीली या फिर फोर्सफुल्ली करते हैं। सही, तो जो हम लाइट करेंगे उनको हम लाइट बनाते हैं, और जो हम फोर्सफुली या हैवीली बनाते हैं तो उसी को हम क्या करेंगे? डार्क बना देते हैं। सही है, तो फर्स्ट चैप्टर होता है इसका कॉन्सोनेंट, जो चैप्टर फर्स्ट है वो है कॉन्सोनेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाली है कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन यही होता है कि कैसे लिखते हैं, कहां बनी, किसने बनाई। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि रिवीजन, ये जो बनी थी वो 1837 में बनी थी। कहां बनी थी? इंग्लैंड में बनी थी। किसके द्वारा बनी थी? सर आइजैक पिटमैन, सही है, और इन्हीं के नाम पर रखा गया शॉर्ट हैंड का पिटमैन शॉर्ट हैंड वर्जन जो हम पढ़ने वाले हैं। लिखते कैसे इसको? जो हम प्रोनाउंसिएट करते हैं वर्ड उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, इस अकॉर्डिंग स्पेलिंग हम नहीं लिखते। वर्ड दो टाइप्स के होते हैं, हम बोलते दो टाइप्स हैं, एक तो लाइटली बोल देते हैं एकदम, एक होता है फोर्सफुली, जोर देकर बोलते हैं। तो जो हम हल्का बोलेंगे उसको लाइट बना देंगे, और जो हैवीली या फोर्सफुली बोलेंगे उसको डार्क बना देंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे।